बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों आज इतवार का दिन है, मौसम शानदार है। आज कराची में यार बारिश भी हुई है, सुबह से बारिश हो रही है। ज़रा ज़मीन दिखाओ, देखो दोस्तों सारी ज़मीन भीगी हुई है। और हम लोग है ना काइट फाइट करेंगे दोस्तों, ज़रूर करेंगे, भले कोई करे नहीं करे, हम लोग उड़ाएंगे पतंग और काइट फ्लाइंग करेंगे। जब हम लोग उड़ाएंगे तो दूसरे लोग भी आएंगे इंशाल्लाह। तो चल आइए दोस्तों, हम लोग जल्द से जल्द काइट फाइट करते हैं। और कमेंट्स बाद में पढ़ रहे हैं क्योंकि यार नेटवर्क यहाँ का काम नहीं कर रहा इस वक्त बारिश की वजह से। अगर नेटवर्क स्टार्ट होता है तो फिर हम लोग है ना कमेंट्स के भी जवाब देते हैं। जब तक हम लोग है ना दोस्तों, हम लोग है ना काइट फाइट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चले आइए दोस्तों, जल्द से जल्द हम लोग है ना कन्ने बांधते हैं और काइट फाइट शुरू करते हैं। क्योंकि यार मौसम आज हवा इस तरफ की उल्टी हवा है, बहुत मज़ा आएगा, देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत है उल्टी हवा में और काइट फाइट करने में मज़ा आता है फिर। तो दोस्तों चले आइए, जल्द से जल्द हम लोग है ना काइट फाइट शुरू करते हैं। ओए हाय हाय हाय, गलती कर डाली। ओए हाय 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 दोस्तों, हमने गलती कर डाली, हम लोगों ने तेज हवा के कन्ने बांध दिए। अब हम लोग है ना जरा थोड़ा सा पीछे बांधेंगे ताकि हवा बिल्कुल खत्म हो। कल कितनी तूफानी हवा थी, आज बिल्कुल हवा नहीं है। तो कल भी बारिश हुई थी, कल कराची में दोस्तों बहुत तेज बारिश हुई है रात को, और दिन में भी बहुत तेज बारिश हुई है कराची में। और अभी भी मौसम बड़ा शानदार है और बेहतरीन बारिश हुई है यार। हम लोग तो बारिश में कल रात को भीग गए थे पूरे यार, बाहर थे ना, अचानक से बारिश आई, सर्दी वाली बारिश में हम लोग ना भीगे, तो मज़ा भी आया यार दोस्तों, बेहतरीन मज़ा आया। तो चल आइए दोस्तों, ये देखिए तरीका बता रहा हूँ मैं, देखिए कन्ने बांधने का मैं बार बार आपको बताता हूँ। और अगर ये एक बार बना के देखो, हर किस हर मौसम के, हर हवा के, हल्की तेज़ के, हर चीज़ के अलग अलग कन्ने होते हैं। हर टाइप की पतंग बनाने के अलग अलग कन्ने होते हैं, बारीक मांझा बांधने के अलग अलग कन्ने होते हैं। तो यार दोस्तों वीडियो देखते रहो, आपको सीखने को मिलता रहेगा, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये मैं जो अभी उड़ा रहा हूँ ना, ये मैंने जो कन्ने बांधे ना, एक तो ये 444 मांझा उड़ाऊंगा, बारीक वाला ही है, ठीक है। 444 मांझे से उड़ाएंगे, बारीक वाले मांझे से। और दूसरा कन्ने ऐसे बांधे हम लोगों ने कि हवा बिल्कुल बहुत कम है और कम हवा वाले कन्ने बांधे। तो चल आइए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं काइट फाइट, ज़्यादा देर नहीं करते और मज़ा आएगा दोस्तों, चले आइए। दोस्तों एक दो पतंग उड़ते हुए नजर आ रही है, तो चले आइए जल्द से जल्द काइट फाइट शुरू करते हैं और बहुत मजा आएगा दोस्तों। हवा बहुत कम है यार, पतंग उड़ नहीं रही है, अभी हम लोग देखते उड़ा गया। ये देखिए दोस्तों, ये वही परसों वाला सीन हो गया कि यार हवा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों इतनी कम हवा में भी पतंग उड़ गई ये वाली, और अब इससे लड़ा के देखेंगे कैसा काम कर रही है, चेक करते हैं, दूर जाके लड़ाएंगे दोस्तों, बहुत मजा आएगा। हाँ तो दोस्तों हम लोगों ने यार अपनी पतंग भी सही कर ली और उड़ भी रही है, अब बस इंतजार करते हैं कोई लड़ाने वाला आए। तो दोस्तों एक लड़ाने वाला तो आ गया, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों बहुत शानदार मौसम हो रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है काइट फाइट करने में, और देखते हैं यार। तो दोस्तों आप लोगों से दरख्वास्त है यार, आप लोग मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करते हो, तो यार एक दुआ और कर दो यार। मेरा एक छोटा बच्चा है, सबसे छोटा वाला, वो उसको है ना यार बुखार उतर ही नहीं रहा, तकरीबन 3-4 दिन हो गए और इलाज भी चल रहा है, कुछ है नहीं, सीने में इन्फेक्शन है लेकिन बुखार ख़त्म नहीं हो रहा है। दुआ करें यार दोस्तों कि वो जल्द 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 सेहतियाब हो जाए, आमीन। आप लोगों से सबसे दरख्वास्त है यार दुआ करना। तो दोस्तों चले आइए हम लोग है ना काइट फाइट करते हैं। दोस्तों पहला पेच काटा, देखिए वो जा रही पतंग, देखो दोस्तों वो गुटा गया, बहुत शानदार पेच काटा। देखा दोस्तों, ये दोस्तों हमारे बच्चे ने बीच में पतंग डाल दी, इधर आ जाए। तो दोस्तों बहुत शानदार काइट फाइट हो रही है और यार बहुत मजा आ रहा है, मौसम की वजह से मौसम बहुत शानदार है, बारिश का मौसम और बहुत हल्का फुल्का ठंडा, बहुत मजा आ रहा है दोस्तों।
तो चले आइए दोस्तों, हम लोग कोशिश करते हैं एक और लड़ाने की, और सामने ना काइट वाइट पतंग उड़ रही है उसे लड़ाने चलते आइए। तो दोस्तों एक और पतंगों पर आ चुके लड़ने के लिए, बहुत बेहतरीन पेच होगा दोस्तों, देखें। दोस्तों आ जाए, बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो दोस्तों पहला पेज काटा, देखें इसको निपटाने की भी कोशिश करेंगे दोस्तों, देखें निपटा ले तो मजा आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने पतंग भी लिपटा ली, देखे आ गई दोस्तों, लिपटाते हुए ले आए, काटी भी और लिपटाई भी। देखा दोस्तों इस तरीके से भाई काइट फाइट की हम लोगों ने आज बारिश के मौसम में पतंग ही लिपटा के लिया, और दुआ करते कि वापसी आ जाए, चले नहीं जाए। तो दोस्तों बेहतरीन काइट फाइट, और ये हम पतंग आ रही भाई, हम लोग निपटा के ला रही है देखे, और बिल्कुल आ चुकी है। तो दोस्तों ये देखे कैसी शानदार पतंग आई है दोस्तों, बहुत शानदार पतंग और बेहतरीन मांझे को काटा हम लोगों ने, मांझा भी बड़ा शानदार है, पतंग भी बहुत शानदार है, और मजा आ गया दोस्तों। तो दोस्तों चले आइए, अब हम लोग ना अपनी पतंग दोबारा उड़ाते हैं। नहीं नहीं रोक नहीं, देखा दोस्तों ये हम लिपटा के भी लिया है काट कर, बहुत मजा आया दोस्तों, दो पेज काट दिए एक लिपटा के लिया है। और चले आइए अब हम लोग ना दोबारा से काट फाइट करते हैं, पेज होने वाला है देखे दोस्तों, देखते हैं आइए लड़ा के देखते हैं क्या होता है। दोस्तों एक और पेज काटा, देखे वो जा रही पतंग, और इसको हम लोग लिपटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है इसको लिपटाना, फिर भी कोशिश करते हैं, चले आइए। नहीं यार दोस्तों बहुत नीचे है, हमारी फंस सकती है। तो दोस्तों और दोस्तों चले आइए यार, अब हम लोग है ना और कोशिश करते हैं लड़ाने की, तो चले आइए दोस्तों देखते हैं क्या होता है। हम लोग दोस्तों ऐसा करते हैं दूसरी छत पे चलते हैं, और यहां पर तो कोई लड़ाने वाला नहीं है, दूसरी छत पे चलते और लड़ाते आ जाए। तो दोस्तों देखा यार तीन पेच काट लिए हम लोगों ने, चलिए इधर भज। दोस्तों बड़ी शानदार काट फाइट हो रही है, और बहुत जबरदस्त मौसम है, और इस मौसम में हम लोगों ने दोस्तों तीन पेच काट दिए, और एक पे जो काटा था लिपटाकर भी लिया, बहुत मजा आया दोस्तों। तो दोस्तों चले आइए यार भाई, हम लोग है ना कमेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं, और हम लोग अपने स्टूडियो में आ चुके हैं, ये देखें पतंगें कुछ लगी हुई है, और भी लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों अब हम लोग है ना कमेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं, कमेंट्स पढ़ के दिखाएंगे, और काट फैट तो काट फैट की तो वीडियो बन गई है, अब कमेंट्स पढ़ते हैं और उसको जल्द से जल्द पढ़ के ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब से 5 मिनट पहले एक है ना कमेंट्स आया है अनस काशिफ का, वो बोलते हैं कि नासिर भाई लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया अनस भाई। तो दोस्तों एक और कमेंट्स आया है 17 मिनट पहले, वो बोलते हैं कि भाई कहाँ काइट फाइट करते हो नासिर भाई, गुलशन इकबाल में किस जगह। तो यार दोस्तों तो अली साहब भाई मैं अबुल हसन आसमानी रोड पे काइट फाइट करता हूँ। अली जेब नाम सुना हुआ है यार, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। खैर अच्छा भाई, अच्छा मोहम्मद की तरफ से है कमेंट्स, बोलते हैं कि नासिर भाई पट्टी कम उड़ाओ लोग कभी। तो यार ये भाई ये है ना मोहम्मद खान, मोहम्मद भाई की भी है ना हम लोग है ना डिमांड पूरी करेंगे, उनको पट्टी कम उड़ा के दिखाएंगे, ठीक है। तो
अच्छा एक और कमेंट से 30 मिनट में पहले रिहान राजा भाई का, वो बोलते हैं कि नासिर भाई द ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया रिहान राजा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फजाम अहमद की तरफ से है, 40 मिनट पहले कमेंट्स आया, वो बोलते कि हमारे क्या भाई अपना मांझा सेल करते हो, प्लीज़ रिप्लाई और अपना नंबर सेंड कर दें प्लीज़। तो यार मैं अपना मांझा सेल नहीं करता, और दूसरा ये है कि नंबर तो पता है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 0340207-8290, ठीक है दोस्त। अच्छा भाई एक और यूज़र W5 के का आईडी है, उनकी तरफ से आया हुआ है, और ये बोलते हैं कि पूरा वर्ल्ड घूमो, पेशावर जैसी पतंग कहीं नहीं मिलती, कोई नहीं बना सकता। ये बात सही है यार कि अगर पूरा वर्ल्ड भी घूमे ना, तो पेशावर जैसी कोई पतंग नहीं बना सकता। ये बात तो सही है भी या नहीं भी। अच्छा भाई एक और कमेंट से दोस्तों, मोनेस्ट्री के आईडी है, वो बोलते हैं कि अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, मुझे आपकी वीडियो बड़ी अच्छी लगती है, और रेमबो सेंटर की भी वीडियो बनाओ। तो यार ये मैंने अभी एक हफ्ते पहले 6-7 दुकानों की रेमबो सेंटर की वीडियो बनाई है मैंने। अच्छा भाई आ जाएगी, अब जब आपने से मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है ना, तो खुद ब खुद वीडियो आएगी, या मेरे चैनल पे जाके आप है ना ये सर्च करें रेमबो सेंटर, तो सारी वीडियो मेरी आ जाएगी सामने, ठीक है। इम्तिसाल मलिक की तरफ से आईडी है, इम्तिसाल मलिक की आईडी है, एक आईडी है इम्तिसाल मलिक, उनकी तरफ से कमेंट्स आया, बोलते हैं कि यार ना व्हाट प्राइस प्लीज, ये प्राइस पूछ रहे हैं सोहेल अंसारी के मांझे की। तो यार इस वक्त है ना सोहेल अंसारी का मांझा जो है 1,000 गज तकरीबन 1200 से 1500, और 1500 1200 का मिलेगा। अच्छा जी, तो दोस्तों एक और कमेंट आया रहमा नासिर की तरफ से, वो बोलते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, सोहेल भाई का नंबर मिल जाएगा मुझे, उनसे मांझा बनवाना है। तो यार सोहेल भाई का जो कमर्शियल नंबर है जिस पे ये काम करते हैं, वो तो उस पर आजकल उठा नहीं रहे, बाकी का नंबर मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। आप ट्राई करते रहे, किसी टाइम पर उठा ले तो फिर बात कर लेना आप और बनवा लेना मांझा, ठीक है। अच्छा यार ये अली आलिशा नूर से, आलिशा नूर बोलते हैं कि भाई आलिशा नूर आईडिया, बोलते हैं कि नासिर भाई आप मुझे अपना मांझा गिफ्ट करेंगे या मुझे ना खेच वाले मांझा चाहिए, जो पैसे दे के ले लूँगा। तो आलिशा भाई नाम तो पता नहीं है, ये तो इनकी आईडी का हो सकता है, इनकी वालदा की आईडी हो, और उसके नंबर पे उस मोबाइल से कर रहे हैं। तो भाई बिल्कुल यार आप मुझसे फ़ोन पे रब्ता करो, फिर कोई सेटिंग बना देंगे, ठीक है। अच्छा भाई दिल की तरफ से है, वो बोलते हैं कि और केमिकल के लिए है कौन सा मांझा चाहिए, लेना चाहिए, तरकी लेनी चाहिए नासिर भाई, इकबाल भाई बताएं आप। तो भाई केमिकल के लिए जो मांझा लेंगे ना आप, बिल्कुल प्लेन लेंगे, बिल्कुल इसमें शीशा नहीं होना चाहिए, और शीशा हाथ में नहीं लगे, बिल्कुल प्लेन हो, लेकिन जब काट के देखो तो मांझा काटने वाला हो, वो आराम से काटेगा। और जब भी दोस्त केमिकल से लड़ाओ ना, तो कोशिश करना खेच से लड़ाना, डील से नहीं लड़ाना, ठीक है, खेच से लड़ाओ बस, तो इंशाल्लाह आप उसकी काट दोगे, ठीक है भाई। यूज़र MS7 की तरफ से है, कमेंट से इनकी आईडी है यूज़र MS7। अच्छा वो बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, मैं औरंगी टाउन से हूँ, मुझे मेरे कमेंट्स के जवाब दे दिएगा, आप कहाँ रहते हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं खुद काइट मास्टर हूँ। तो बिल्कुल भाई आप बिल्कुल मिलो मेरे से, मैं गुलशन इकबाल में रहता हूँ, बुला हसन आसवानी रोड पे, आओ मिलो मुझसे यार बिल्कुल, और मैं देखिए आपके कमेंट्स का जवाब भी दे रहा हूँ, ठीक है ना दोस्त। तो अब और कमेंट्स पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं क्या हुसैन भाई बोलते हैं, हुसैन अली भाई बोलते हैं कि अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, सोहेल भाई की ही वीडियो एक और बना दो। तो बिल्कुल यार बनाएंगे बनाएंगे बिल्कुल, जैसे ही टाइम मिलेगा ना, सोहेल भाई की अगर वीडियो बनानी हो ना, तो पूरा दिन चाहिए यार, पूरा दिन चाहिए, और सोहेल भाई बहुत अच्छे आदमी है, खुद
बिल्कुल मेहमान नवाजी भी अच्छी करते, लेकिन है ना यार, और पूरा दिन चाहिए उधर के लिए। ठीक है, बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों बस यार कमेंट्स ख़त्म हो चुके हैं, और बस यही कमेंट्स थे आज। और मैं आपसे कहता हूँ कि यार आप कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करो इंशाल्लाह ताला। फिर है ना, मैं देखो अगर छत पे नहीं दूंगा ना, छत पे अब हम लोग ऐसा करेंगे दोस्तों, छत पे कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फिर पतंगबाजी का टाइम ज़ाया होता है। हम लोग है ना इधर ही पर कमेंट्स पढ़ेंगे हमारे स्टूडियो पे, और यहाँ पर आपको नई नई चीज़ें दिखाएंगे। ये देखे जरा, दिखाओ, इतनी सारी पतंगें मेरे पास पड़ी है, वो पड़ी है, मैं सब आपको दिखाऊंगा, ये पड़ी है, सब उतार के दिखाऊंगा। तो दोस्तों नई नई चीज़ें दिखाऊंगा, तो ठीक है ना दोस्तों। तो बस यार जो जो मेरे पास आती रहती है, जो मेरे पास गिफ्ट आते हैं, जो भी चीज़ें आती है, मैं उसमें दिखाऊंगा क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों बस यार मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। दोस्तों मेरी वीडियो देखते रहना, इसे लाइक और शेयर करना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और यार वीडियो देखते रहोगे और मुझे लाइक करोगे और कमेंट्स करोगे, तो यार मेरी भी हौसला अफजाई होगी, और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा और इस पर ज़्यादा टाइम लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बस यार दोस्तों मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। और कोई भी अगर सवाल करना हो तो कमेंट्स में आप कर सकते हो। कल जब आप कमेंट्स करोगे तो कल आपका जवाब मैं एक दिन छोड़ के दूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे अभी जो कमेंट्स कर रहा हूँ, अगर आप सुबह को कमेंट्स करते हो तो उसी रात को आपको कमेंट्स का जवाब मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना दोस्तों, तो बस यार मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। दोस्तों मेरी वीडियो देखते रहना, इसे लाइक और शेयर कर, लाइक और शेयर करना, इसे सब्सक्राइब करवाना। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।